विकास की बात हो ही रही थी और डेवलपमेंट स्टडीज का सेमिनार है तो विकास के मुद्दे पे दो तीन सवाल और फिर मीडिया के मुद्दे पे दो तीन सवाल। अभी तक अच्छी नहीं लगी, बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी सबको। मेरा पहला सवाल आपने शुरुआत में की जाति के प्रश्न को लेकर, आप अपने शो में कई बार कह चुके हैं कि जाति जिसका घर का नाम है, विकास उसी का स्कूल का नाम है, मतलब आधिकारिक नाम है, ऑफिशियल नाम है। दूसरी तरफ जो लोग भारत को एक सुपर पावर बनाने का स्वप्न देख रहे हैं वो जाति को एक नए भारत में बिना बुलाए मेहमान की तरह समझते हैं, लेकिन मिला जुला के पब्लिक डिस्कोर्स में जाति और विकास दोनों काफी सुनने को मिलता है, दिन रात सुनने को मिलता है। अभी हाल के बिहार चुनाव में जाति बनाम विकास की बात लगभग हो रही थी। तो अगर ऐसी बात है तो इस लोग कैसे समझते हैं विकास को? आपने आपने बहुत लंबे दौर तक रविश की रिपोर्ट के द्वारा इस पे काम किया है, तो आम लोग विकास को कैसे समझते हैं और कैसे समझें? टफ क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि हर सवाल का जवाब हमारे पास हो, लेकिन जो जाति की बात आपने की, हम कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे हम धर्म और जाति की बात करते घबरा जाते हैं, लगता है कि ये विकास के विरोध में है, ये कंट्री की आइडेंटिटी के विरोध में है, उन सवालों को। दरअसल ऐसा करते हुए हम उस रियलिटी पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, उसको सामने नहीं आने देना चाहते हैं, जो हम अपने घर में, जो अपने सोशल स्टेटस के जरिए और इकोनॉमिक स्टेटस के जरिए एक खास तरह की कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करते हैं, उसको बाहर करते हैं। उस सवाल का जवाब तो उस लोगों से पूछना पड़ेगा कि मर रहा है, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है कि मर रहा है आदमी जिसको एक किडनी चाहिए, वो किडनी लेने के लिए तमाम तरह के आपराधिक काम कर देता है, किसी को बुला के गलत तरीके से उसका किडनी निकलवा लेता है, लेकिन जब पता चलता है कि देने वाला दलित है तो उसका किडनी भी नहीं लेता है। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के सवाल से पहले रुक के ठहर के इस क्वेश्चन से सबसे बात करना चाहिए। हम भागते क्यों हैं? और बात करने का मतलब थोड़ी ना हो गया कि जातिवादी हो गया, और बात नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या गारंटी है क्या कि आप जातिवादी नहीं है? दरअसल आप जातिवादी हैं तभी आप जाति के सवाल पे बात नहीं,